आज क्लास फोर के एसएसटी के लेसन वन का रिवीजन करेंगे। लेसन का नाम है माय मदरलैंड इंडिया, मेरी मातृभूमि भारत। इन दिस चैप्टर वी स्टडी, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इंट्रोडक्शन, भूमिका, लोकेशन, भारत किस स्थान पर स्थापित है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया भारत का पड़ोसी देश, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया भारत का भौतिक तत्व। माय मदरलैंड इंडिया, इंडिया लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। भारत एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में स्थित है। इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सातवां बड़ा देश है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट बीइंग चाइना। भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा नंबर का देश है, पहला नंबर चाइना है। इंडिया स्ट्रेच अबाउट 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भारत फैला हुआ है उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर एंड 2,993 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूर्व से पश्चिम तक 2,993। लोकेशन, भारत कहाँ स्थापित है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इन द साउथ। भारत के दक्षिण में तीन तरफ पानियों पानी है। इट मेक्स द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक पेनिनसुला, ये भारत के दक्षिणी भाग को एक पेनिनसुला बनाता है। थ्री वाटर बॉडी, या तीन वाटर बॉडी जो है क्या क्या है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, द अरबियन सी इन द वेस्ट, पश्चिम में अरब सागर एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ, दक्षिण में हिंद महासागर। अब आते हैं नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। उत्तर और उत्तर पूर्वी में चाइना, नेपाल, भूटान है, और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, श्रीलंका इन द साउथ, दक्षिण में श्रीलंका है। टू स्ट्रेच टाई विद इट नेबर इन साउथ एशिया एंड टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी। एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी एशिया के कॉन्टिनेंट में पड़ोसियों में अपने ताकत को रोकने के लिए प्रमोट पीस एंड यूनिटी और शांति और एकता लाने के लिए एक एसोसिएशन सार्क का गठन किया गया। इंडिया वाज जॉइंट हैंड विद देम, भारत भी इस सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन का एक अंग बना। अब आते हैं, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री विद वेरी लार्ज पॉपुलेशन। भारत क्या है, एक बहुत विशाल देश है और बहुत जनसंख्या है। इन ऑर्डर टू रन इट इफिशियंटली एंड टेक गुड केयर ऑफ द बिलियन पीपल लिविंग इन इट आवर कंट्री, इसमें ढेर सारे करोड़ों लोग रहते हैं, इसलिए क्या किया, आवर कंट्री डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरिया, इसलिए देश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया। दी एरिया इज कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इस एरिया को राज्य या केंद्र शासित राज्य बोला जाता है। देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल दिल्ली। हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें एक दिल्ली भी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। द हेड ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर, भारत सरकार के जितने भी हेड ऑफिस है सभी नई दिल्ली में है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल द ऑल मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट लिव हियर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और जितने भी मिनिस्टर और ऑफिशियल है भारत सरकार के वो वहाँ रहते हैं। द सेवन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर के उत्तर पूर्व में 7 स्टेट है जिसको सेवन सिस्टर, 7 बहन के नाम से जाना जाता है। दे आर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा है। फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक तत्व। इंडिया इज लैंड स्टेट विद वेरी फेरा, भारत की भूमि जो है विभिन्न टाइप का है, भिन्न भिन्न तरह का है। द वाइड वैरायटी इन द फिजिकल फीचर मेक इंडिया ए वेरी इंटरेस्टिंग लैंड टू स्टडी, ये भिन्न भिन्न जो फिजिकल फीचर है ये भारत को बहुत ही रोचक भूमि बनाता है। इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल रीजन, भारत के 5 फिजिकल रीजन में बांटा गया। एक में नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी हिमालय पहाड़, द प्लेन नॉर्दर्न एंड कोस्टल समतल, उत्तर का और समुद्री तट, द
एरिया विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, यह सूखा और बालू वाला एरिया है जहां बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। द प्लेटियो रीजन इज ट्रायंगुलर इन शेप, पठार का जो रीजन है वो ट्रायंगुलर टाइप का शेप में है। लाइन टू द साउथ ऑफ द प्लेन, जो समतल मैदान के दक्षिण तरफ फैला हुआ है, एंड एक्सटेंड टू कन्याकुमारी और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। द कोस्टल प्लेन समुद्री तट लाई ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ फैला हुआ है। इन द ईस्ट ईस्ट में चल जाइए पूर्व तरफ, कोस्टल प्लेन ऑक्युपाइड द रीजन, कोस्टल प्लेन जो है भरा हुआ है बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और वेस्टर्न घाट के बीच। इन द वेस्ट पश्चिम में जाना है, दे ऑक्युपाइड द रीजन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड वाराणसी, पश्चिम का जो इलाका है वह वेस्टर्न घाट और अरब सागर के बीच फैला हुआ है। द वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, एंड इट फेमस फॉर इट बायोडायग्राफी, ये अपनी विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। देयर आर आयरन चेन और बोथ साइड दोनों तरफ आयरन चेन है, टापू का श्रृंखला है ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ए पॉइंट इन अंडमान निकोबार इन द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, भारत के अंडमान निकोबार में सबसे अंतिम मोस्ट टिप ऑफ इंडिया भारत का है। पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब, भारत के लोग भिन्न भिन्न रेस कोस्ट एंड क्रीम धर्म से जाति से बिलोंग करता है। देयर लाइफ स्टाइल कल्चर एंड ट्रेडिशनल आर टोटली डिफरेंट, उस आदमी की जीवन शैली संस्कृति और व्यवसाय सभी जो है भिन्न भिन्न।